नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर झा। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास नाइन्थ का गणित का वर्कशीट संख्या 101 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 11 मार्च 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर बुक। इसमें हमने इंग्लिश को भी इंक्लूड किया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि चैप्टर नंबर 13 में आता है। हम ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट आपको चैप्टर नंबर 13 के तहत वर्कशीट जो आया था 82 और 83 का रिवीजन है। यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपको हेमिस्फेयर और स्फेयर की बात किया गया है यहाँ पे, तो आपको पता है हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया एक बार यदि हम रिवाइज कर लें तो ये होता है स्फेयर होता है, स्फेयर का एक ही सरफेस होता है, तो TSA और टोटल सरफेस एरिया, जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, और LSA यानी कर्व लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो होता है, दोनों बराबर होता है इसमें, तो ये दोनों होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम जो होता है होता है 4/3πr³। और हेमिस्फेयर की यदि बात करें, अर्ध ये गोला है, अर्धगोले की बात करा जाए तो ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला में दो सरफेस होता है, एक ये ऊपर वाले प्लेन सरफेस और ये कर्व सरफेस, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA, तो ये होता है इसका कर्व जो था उसका आधा हो जाता है, यानी 2πr² हो गया, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका ये भी इंक्लूड हो जाता है, ये πr² ये सर्कल क्या कह रहा का होता है, तो 3πr² और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका हाफ हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है ये हो जाता है 2/3πr³। तो ये है इसका वर्कशीट के लिए जो दिए गए इंफॉर्मेशन है। अब आइए उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल सॉल्व करना है, तो आइए सवाल सॉल्व करें। यहाँ पे पहला सवाल दिया है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। तो ये r बराबर आपको दिया हुआ है 28, ठीक है, तो इसका हम यदि कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2πr², तो इसको लिखते हैं 2 × 22/7 और 7 ये 28 है, 28 × 28, अब 7 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ये 7×4 = 28 होता है। इसका जो आंसर होगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 22, 4 और 28, तो ये आंसर आ जाएगा 4928 और यूनिट क्या लिखेंगे, cm². और यदि आपको कहता है इसका TSA भी निकालना है, तो TSA के लिए फॉर्मूला है, TSA यदि निकालते हैं तो ये होता है 3πr², तो उसके अनुसार सजाइए, तो ये 3 × 22/7 और × 28 × 28, तो 7×4 = 28 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 7392 और cm². नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हो। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 2624। तो आप जानते हैं जो कि TSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और इसमें टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी लिखा रह सकता है, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ही होता है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2464।
आर ज्ञात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² बराबर में 2464। अब यहां पे आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2464 अपॉन में 4, और पाई के बदले 22/7, 22 यहाँ पे और 7 ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 22 से इसको काटिए, तो 22 वन जा होता है, 22 टू बचा, 2 पर 6 26 हुआ, तो 22 वन जा 22, फिर बचा 4 पर 4, तो ये हो जाएगा 22 टू जाइए। अब 4 से इसको डिवाइड मल्टी वो करते हैं, तो देखिए 4 दुनिया और ये बचा आपको 4 दुनिया 8 और ये 3 पर 2, 8 × 32, तो r बराबर में हो जाएगा ये 7 × 22 को लिख सकते हैं, 28 को 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं, और ये 7 तो इसका रूट, तो ये 7 का पेयर बन जाता है, तो ये हो गया 7 बाहर निकल गया और ये 2, तो यानी 14। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, फोर्टीन सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो आपको आर बराबर दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 और स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख ले, स्फीयर 4/3 πr³। तो इस तरह से हम सजाएं 4/3 × 22/7 × 7 × 4.2 × 4.2 × 4.2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 4/3 × 22/7 और इसको 42/10 लिख लें, जो आसानी रहेगी, 40 क्योंकि डेसिमल के बाद आप कई बार गलतियां कर देते हैं, तो 42/10 कर लें, तो 7 × 3 = 21 होता है, और 20 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये सब को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3104 और अपॉन में 1 2 3 डिजिट आ गया, तो ये 3 डिजिट सॉरी 3 जीरो आ गया, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3104 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया है अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, यानी आर दिया हुआ आपको 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, हेमिस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट विल बी कंटेंट। तो आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है, इसको हम कहते हैं, फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पे 2/3 × 22/7 और 3.5 × 3.5 × 3.5 होगा। अब यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल हटाए 10 और यहाँ भी डेसिमल हटाए तो 10 यहाँ आ जाएगा। अब देखें जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा ये होता है और 5 2 जा 10 होता है, एक कट गया। अब 22 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये हमारे ऊपर में आ जाएगा
26950 और नीचे में 300, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 89.83, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।